अरे भाई क्या कर दिया? अरे तेरे को और कोई जगह नहीं मिला था क्या? तो दरवाजे के ठीक सामने रख दिया। अरे देख के नहीं चल सकता था? तो क्या करूँ क्या इसका? आप टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त है, वो सब ठीक कर देगा। बस हमें पैसा का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ आप सोच क्या करें। अरे बेटे, हाँ अंकल बैठिए बैठिए। ठीक है इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। अरे अंकल आपको थोड़ी ना कहा कि आइए बैठिए सो जाइए खाना खाइए हगिए हम आपका धो देंगे, ऐसा कहा क्या? नो तो बैठिए ना चुपचाप। हाँ सॉरी अंकल, मतलब आज इसका मोबाइल टूट गया ना, इसीलिए सबसे ऐसे बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। और क्या कर रहे थे तुम लोग? इसका मोबाइल कैसे टूट गया? दरअसल अंकल मैं रूम पे आ रहा था और इसने दरवाजे के ठीक सामने मोबाइल चार्ज पे रख दिया। अब मेरे को थोड़ी ना मालूम है, अब मैं जैसे अंदर आया मोबाइल। ओहो, कितना अजीब है। मोबाइल हो तो टेंशन, मोबाइल ना हो तो टेंशन, मोबाइल पे कॉल या मैसेज आए तो टेंशन, ना आए तो टेंशन। ये मोबाइल ना एक टेंशन का भंडार है बेटे। एकदम सही कहा अंकल आपने, लेकिन हमारे जमाने में ये मोबाइल नहीं हुआ करता था। पांच हम अगर किसी रिश्तेदार से बात करनी हो ना तो हमें चिल्लाना पड़ता था। अगर कोई रिश्तेदार दिल्ली पे रह रहा हो तो हमें यहाँ से चिल्लाना पड़ता था, हेलो हेलो हेलो, तो वहां पे 3 दिन के बाद पहुंचता था। और हाँ वहां से वो लोग बोलते थे, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, वो यहाँ आते आते 3 दिन हो जाता था। अरे अंकल क्या फेंकते हो आप भी? अरे फेंक रहा हूं मतलब, तुम क्यों क्या लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? और नहीं तो क्या, आप बोल रहे हैं यहाँ से चिल्लाते थे और दिल्ली पहुंचता था 3 दिन के बाद। ओ भाई मजाक हो रहा है? दिल्ली रहने तो पाकिस्तान वाला लड़का आके बोलेगा, ओ भाई मारो मुझे। अगर ऐसा है ना तो चलिए यहाँ से चिल्लाइए, दिल्ली रहने तो अगर दूसरा मोहल्ला भी पहुंचा ना, कसम से बोल रहा हूँ मेरा ये मोबाइल रहने तो मैं दूसरा मोबाइल खरीद के आपको दे दूंगा। अरे अभी कैसे चिल्लाए बेटे, अभी तो ये बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं ना, अभी चिल्लाया तो दूसरे मोहल्ला छोड़ दूसरे घर पे भी नहीं पहुंचेगा। ओ मतलब आप रेगिस्तान पे रहते थे? अच्छा बे ओ घोंचू, तब का वातावरण एकदम शांत था। वाह वाह वाह, आप तो सलमान खान के परम मित्र होंगे। सलमान खान मतलब? अरे मतलब अंकल कुछ भी नहीं है भाई, तू इसके बारे में सोच ना, पैसे कहाँ से लाएंगे, 2-3 हजार का चूना तो लग गया ना। हाँ वो सोच यार, 2 हजार, पांच और ये मोबाइल कितने का है? टोटल प्राइस 15 हजार। 15 हजार? 15 हजार में इतना छोटा सा टुकड़ा? अरे अंकल टुकड़ा नहीं है वो, बहुत कुछ है उसमें। हाँ जो भी हो दिखने में तो छोटा सा टुकड़ा ही है ना, हमारे जमाने में अभी का 10 करोड़ तब का 10 पैसा हुआ करता था। हम 1 पैसा लेके जाते थे और 4 बंगला, 4 गाड़ी, 4 फ्रिज, 4 हेलीकॉप्टर, 4 प्लेन, 4 ट्रेन, 4 सब कुछ, चार चार खरीद सकते थे। ओ अच्छा, कल वो हवाई जहाज उड़ रहा था ना, शायद आपका ही होगा। अरे भाई मैंने खरीद सकते थे बोला, खरीदा तो नहीं बोला ना। अरे वो सब रहने दे बेटे, एक बात बताओ कि तुम लोग कॉलेज किस पे जाते हो? हम बाइक पे जाते हैं अंकल, बाइक पे। लेकिन हमारे जमाने में हम पैदल जाते थे। हाँ पैदल ही तो जाओगे ना, तब तो बाइक नहीं निकला था ना। अबे ओ घोंचू, हमारा स्कूल 14,000 किलोमीटर दूर था और हम 4 पहाड़ को तोड़कर 4 नदियों के नीचे भी गुफा बनाकर वहां से पार होकर स्कूल जाते थे और फिर से वापस आते थे। कल आपने मतलब कितने क्लास तक पढ़ा है? मैं वही दो दो कक्षा तक पढ़ा। अरे जाते जाते टाइम तो लगता है ना, खोदने में इतना टाइम लगता है कि हम यहाँ से आज जाते थे तो स्कूल 2 साल बाद पहुंचते थे और फिर से वहां आधा घंटा पढ़कर वापस आते थे 2 साल बाद। और अभी जो तुम ये खेलते हो ना, क्रिकेट बॉल फुटबॉल, तब हमारे जमाने में ऐसे नहीं हुआ करता था, हम खुद बना के खेलते थे। हम वो जो क्रिकेट बॉल है ना, उसको इतना इतना बड़ा पत्थर ढूंढते थे, उसको घिस घिस के गोल बनाते थे और उससे खेलते थे। और फुटबॉल, फुटबॉल तो इतना बड़ा सा पत्थर फोड़ कर उसको घिस घिस कर इतना बड़ा गोल बनाते थे और उससे फुटबॉल खेलते थे। और मैंने ऐसे ही अपने सर से 4 फुटबॉल को फोड़ा है। अभी सर भी फटना चाहिए था। क्या बोला बे?
मतलब अंकल आपने बोला ना कि अभी जो 10 करोड़ है अभी के, तब के सिर्फ 10 पैसे हुआ करते थे। हाँ, और आप मतलब वो पत्थर से फुटबॉल खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे, वो तो कई साल पहले की बात है ना, बहुत पुरानी। अरे अंकल आप मतलब वो सूरज के मरे हुए दादाजी तो नहीं है ना? अबे ओ, मैं किसी का मरा हुआ दादाजी नहीं हूँ। दरअसल अंकल आपकी उम्र कितना है? मेरा उम्र तो ऐसे 40 साल है, और हमारे जमाने में अंकल मतलब आप कुछ काम के लिए आए थे क्या? मैं मतलब पता नहीं, तुम्हारे पापा ने कुछ खास काम के लिए बुलाया था। ओ अच्छा, तब तेरे पापा बोल रहे थे ना कोई बकरा आ रहा है उससे पैसा उधार लेना है। अरे अंकल आप तो मेहमान नहीं भगवान के रूप है, भगवान से भी बड़े भगवान है। आपके लिए क्या लाऊं बताइए, ठंडा कोको कोला पेप्सी मिरिंडा चाय कॉफी आप क्या लेंगे? आप बस सो जाइए, मैं आपका पैर दबाता हूँ। आइए ना अंकल सो जाइए। आइए बेटे, मतलब मेरा थोड़ा सा काम रह गया था, वो अभी बीबी ने कॉल किया था मेरे को, मैं अगर नहीं गया ना कसम से बहुत पिटेगी। अरे अंकल मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप हमारे लिए भगवान के समान है। आप बस आइए ना एक बार सो जाइए, आपको इतना अच्छा मसाज दूंगा ना, कसम से बोल रहा हूँ आप अपने बीबी को भूल जाएंगे। अरे नहीं बेटे मेरे को जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं अंकल आइए ना आप, मतलब एक बार आइए, एक बार आएंगे तो कसम से कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए ना अंकल आइए ना, प्लीज एक बार आइए ना अंकल, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं बेटे जाना पड़ेगा अभी। अंकल अंकल प्लीज अंकल। अरे नहीं बेटे, अरे हेलो गाइस, वीडियो अगर इतना सा भी पसंद आया ना तो प्लीज शेयर जरूर करके जाना यार, बहुत दिमाग का दही हुआ है ये वीडियो डालने में, क्योंकि एडिट करने में जितना होता है ना कसम से बोल रहा हूँ। इसलिए भाई लोग अगर पसंद आया ना शेयर जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर।